नमस्कार दोस्तों, मैं आनंद अपने YouTube चैनल माई स्मॉल गार्डनिंग पर आपका स्वागत करता हूं। आज मैं अपने एडेनियम के सीडलिंग्स के अपडेट्स दिखा रहा हूं। कुछ दिन पहले वाले वीडियो मैंने दिखलाया था कि मैंने मेरे एडेनियम के प्लांट पर कैसे सीड पॉट्स बन रहे हैं। आज मैं आपको दिखला रहा हूं कि वो कितने बड़े हो गए हैं और कितने मैच्योर हो गए हैं। मैं आपको दिखला रहा हूं, देखिए ये दो सीड्स हैं, आप देखिए कितने बड़े हो गए हैं और कितने हेल्थी भी हैं। यहाँ आप देखिए लंबे और मैं दिखला रहा हूँ आपको, एक यहाँ पर देखिए, यहाँ ये भी काफ़ी बड़ा हो चुका है और काफ़ी मोटा भी है। आप देखिए यहाँ पर एक यहाँ पर है, यहाँ पर देख रहे हैं एक, यहाँ पर आपको दिखला रहा हूँ, यहाँ पर भी है एक। आप यहाँ जो देख रहे होंगे ये इसको मैं पॉलीथीन से बांध नहीं पाया, इसके कारण ये फट गया है। इसमें बारिश का पानी भी घुस गया है। हमारे यहाँ इतनी बारिश हो रही है दो तीन दिन से कि एक सप्ताह से कि कुछ गार्डन का वर्क नहीं कर पा रहा हूँ। लेकिन देखिए इससे ये जो प्लांट मेरा है, ये मेरा मदर प्लांट है। अब देखिए आप दिखला रहा हूँ, और जितने भी मैंने एडेनियम के सीड ग्रो किए हैं सारे इसी प्लांट्स के हैं। और अब उसके बाद देखिए कि ये इसके ऊपर कितने सीड पॉट्स बना हुआ है। और इस सीड पॉट्स को हेल्थी बनाने के लिए मैंने दो बार केवल 15-15 दिनों में सी वीड एक्सट्रैक्ट लिक्विड इसमें डाला था और कुछ नहीं। और देखिए कि इसमें करीब 6 सीड पॉट्स हैं जो कि इसमें बने हैं और सब बड़े बड़े हैं। मुझे लगता है कि एक सीड पॉट्स में कभी करीब 70 या 80 सीड बनेंगे। और भी मैं आपको दिखला रहा हूँ नए जो प्लांट्स हैं उसमें भी सीड पॉट्स बन रहे हैं। आप देखिएगा यहाँ पर भी ये मेरा ग्राफ्टेड एडेनियम है, ब्लैक रेड। आप देखिए छोटा सा यहाँ पर इसमें एक सीड पॉट्स बन रहा है, ये जो यहाँ पर है ये ग्राफ्टेड का है। और मैं आपको दिखला रहा हूँ एक प्लांट यहाँ पर भी है। आप देखिए इसमें भी कितने मैच्योर सीड पॉट तैयार हुआ है। इसमें 3 सीड पॉट्स हैं, काफ़ी लंबे लंबे हैं। सभी जितने भी सीड पॉट्स हैं सभी लंबे हैं और हेल्थी हैं। अब मुझे लगता है कि इसको पॉलीथीन से कवर करना पड़ेगा बारिश होने के कारण, नहीं तो ये सीड्स ख़राब हो जाएंगे। मैं कुछ एक दो दिन में इसको पॉलीथीन से बांध दूँगा। एक ये मेरा नया प्लांट है जो इस बार मैंने इस 7 इंच के पॉट में लगाया था। आप देखिए कि इसमें भी पहला बार इसमें फ्लावरिंग कर रहा है। आप देखिए कि इसमें भी यहाँ पर देखिए कि सीड पॉट्स बनना तैयार, एक नहीं दो सीड पॉट्स बन रहे हैं। आप देखिए यहाँ पर भी आपको मैं दिखला रहा हूँ, यहाँ नज़दीक से देखिए यहाँ छोटा सा सीड पॉट्स बन रहा है और एक यहाँ ये इसमें भी दो सीड पॉट तैयार हो रहे हैं। जबकि ये मेरा इस साल का नया, मैंने इस प्लांट्स को लगाया था 4-5 महीना पहले, लेकिन इसमें भी 2 सीड पॉट्स बन रहे हैं। इस प्लांट्स में जो सीड पॉट्स बन रहा है, आप देखिए कि ये 1 साल का प्लांट है, फिर भी आप इसमें देखिए कि 2 सीड पॉट्स बनना चालू हो गया है। करीब ज़्यादा जैसे जैसे मैच्योर ज़्यादा होता है उसमें सीड पॉट्स ज़्यादा बनना चालू होते हैं। लेकिन देखिए ये पहला ही साल फ्लावरिंग कर रहा है, इसमें सीड पॉट्स बनना चालू हो गया है। आप यहाँ पर जितने भी मेरे, आप देखिएगा जितने भी वेव प्लांट्स मैंने तैयार किए हैं, जो मैंने आपको मदर प्लांट दिखलाया था सब उसी के द्वारा मेरा तैयार किया गया है। ये जो मेरा मदर प्लांट है, मुझे लगता है कि इस बार इस सीज़न में करीब 400-500 प्लांट्स इसके द्वारा मैं तैयार करूँगा। और इसके जितने भी सीड्स हैं सारे हेल्थी हैं, और इसको बारिश के पानी से अगर मैं बचा लिया तो ज़रूर मैं ढेर सारे पौधे एडेनियम के प्लांट्स का मैं तैयार करूंगा।
और मुझे मेरा शौक़ है कि मैं इस प्लांट्स को मैंने करीब 100 रुपये में करीब 2 साल पहले नर्सरी से ख़रीदा था, और इसी के बदौलत मैंने ढेर सारे बेबी प्लांट्स तैयार किए हैं। नहीं तो आप जानते हैं कि ढेर सारे मैंने मेरे पास ग्राफ्टेड भी एडेनियम है, मैंने जो आप मैं आपको दिखलाते रहता हूँ, और बहुत सारा कलेक्शन मैं एडेनियम के तैयार भी कर रहा हूँ, लेकिन ग्राफ्ट के लिए और जितने भी अलग अलग कलर के मेरे पास एडेनियम के प्लांट्स हैं, मैंने ग्राफ्टिंग के लिए सब सारा चीज़ इसको कलेक्शन तैयार किया है। जब मेरे पौधे बेबी प्लांट्स कुछ बड़े हो जाएंगे अगले साल में मार्च आसपास में, ढेर सारे पौधे मैं ग्राफ्ट करूँगा। और आगे भी मेरा प्लान है कि मैं सिंगल पेटल के एडेनियम के प्लांट्स मैं कुछ ख़रीदने वाला हूँ, और जिसका मैं कलेक्शन करूँगा। बस आज मैं आपको अपने सीड पॉट्स को दिखलाना चाहता था कि कितने हेल्दी तैयार हो रहे हैं। अगर ये वीडियो आपको मेरा अच्छा लगता है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, और वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।